किसानों के जाने के बाद जो उनकी झोपड़ियाँ और जो उनके तंबू थे उनको किस तरीके से उखाड़ कर जो है ये लोग ले जाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। सिंगू बॉर्डर से जो है यहाँ पर तंबू बम्बू हर चीज़ यहाँ पर लगे हुए थे, ये साफ में आप देख सकते हैं कि ये अब उखाड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। और लोग ये देखिए ये यहाँ पर जो उनका बचा खुचा जो भी कबाड़ का सामान है वो यहाँ पर बीनना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो है आज किसान उनके घर वापसी हो चुकी है और जहाँ पर जो उनके तंबू वगैरह जो बने हुए थे वो सब खोलना शुरू कर दिए। ये क्या कहना चाहते हो आप, ये किस लिए तंबू उतार रहे हैं? ये कंपनी उतार रहे हैं तंबू, ये कंपनी का है वहाँ से सारे। कौन सी कंपनी का? ये मरकरी का। इन्होंने लगा के दिया था? इसने उठा लाए थे वहाँ अंदर से सारे, जब आए थे ना तभी ले आए थे। अरे नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के तंबू बता रहा है और ये किस तरीके से ये तंबू बम्बू जो है सब यहाँ से बांधना समेटना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ज्यादा इस खबर को शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ये उसको कंपनी के तंबू बता रहे हैं तो लोग खोल रहे हैं। भाई जी क्या कहोगे, आज ये तंबू यहाँ पर उठ गए हैं, किसान चले गए और आप इन तंबुओं का क्या करेंगे, बम्बुओं का क्या करेंगे? भाई मैं तो अपनी भैंसों पे भैंसों का छप्पर बनाऊंगा। कहाँ से हो भाई जी आप? मैं यहीं से हूँ, सोनीपत से। क्या सोनीपत से? अच्छा। सोनीपत हरियाणा से ही हूँ। अच्छा, तो आज ये पूरा का पूरा यहाँ पे हाईवे खाली हो रहा है और जो ये यहाँ पे तंबू बचे हैं इनका काम लगा, अपना काम आ जाएंगे आपके? आपके मेरे काम आ जाएंगे, भैंसों का छप्पर बनाऊंगा। अच्छा, तो आपके पास छप्पर नहीं था? नहीं छप्पर था हमारे पास, कुछ दो चार जानवर और आ जाएंगे। अच्छा, तो खुशी है आज किसान आंदोलन? हाँ खुशी है, हाईवे खुल जाएगा, आने जाने का रास्ता खुल जाएंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये भाई बता रहा था किस तरीके से ये जो बम्बू हैं वो घर में जो है अपने भैंसों के मवेशियों के जो उनके पास जो बचा जानवर हैं उनको बांधने के उनकी छत बनाई जाएगी, किस तरीके से किसानों ने जो है पक्के प्रयास किए थे और उसके बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से खाली होने के बाद सिंगू बटर खाने को थे लोगों ने किस तरीके से तंबुओं को जो है अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं जो देख सकते हैं किस तरीके से तंबुओं को फाड़ फाड़ कर जो है बचे हुए बम्बू हैं उनको यहाँ से किस तरीके से ले जाने का प्रयास है। अभी अभी हमने जैसे बात की है और किस तरीके ये बता रहे थे कि यहाँ पर किसान इन झोंपड़ियों में रहते थे, लगातार किसान भाइयों ने एक साल इन तंबुओं में बिताया। ऐतिहासिक जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि एक साल किसानों ने जो किस तरीके से ताऊ क्या करोगे इस तरपाल का क्या करोगे क्या करोगे इसे पन्नी झुग्गी पे को ऊपर रखो उस झुग्गी पे झुग्गी आपकी हाँ घर नहीं है हाँ तो ये आप ले जाएंगे बारिश में काम आएगा हाँ 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 खुशी हो रही है आज है खुशी हो रही है चलो गरीब आदमी आप हाँ। तो देखिए किस तरीके से गरीब उतार लीजिए ले जाइए आप कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस तरीके से गरीब आदमी जो है किस तरीके से अपने घर में जो है उनके घर में झुग्गियाँ जो हैं उन पर पक्की तरपाल जो है वो डालने का प्रयास करेंगे। भाई हमारे साथ भाई जी क्या हाल चाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है किसानों की घर वापसी हो रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है भाई साहब। अच्छा एक बात देखिए, आपने किसान यहाँ पर लगातार झुग्गियों में थे, ये झोंपड़ियाँ बना रखी थी, बढ़िया इंपोर्टेड बना रखी थी, आज जो है इन गरीब आदमियों के काम। मैंने उससे पूछा, वो कह रहा जी हमारे घर में झोंपड़ी है लीक होती थी, मैं तरपाल लेके जाऊंगा। किसी ना किसी के काम आ रहे हैं, किसी न किसी के काम आ रहे हैं, बाकी ये सारा सामान जो दे रहे हैं यहाँ इनको दे दिया है, सभी अपना काम में यूज कर रहे हैं। आप आंदोलन में आए थे? हाँ जी भाई साहब। कहाँ से हो? हम कैथल डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा। खुशी आज पूरी? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, वापिस जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ भाई साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तंबू हैं, किस तरीके से इन तंबुओं को तोड़कर जो है अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी का आशियाना ये सब किसानों ने अपने आशियाने बनाए थे और अब आशियानों को जो है किस तरीके से गरीब लोग जो हैं मजदूर जिनके घरों में जो है झोंपड़ियाँ तक नहीं हैं वो अपने यहाँ पर इन झोंपड़ियों से अपने आशियाने बनाएंगे। ये देखिए जिधर भी आप देखेंगे वो झोंपड़ियों को उतारा जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं उन झोंपड़ियों से जो है अपने घर का झोंपड़ी अपने घर को जो लीक होती हैं बारिश में गरीबों की झोंपड़ियां तक नहीं है वो यहाँ पर काम आने आशियाना बनेगा। आप देख सकते हैं कि गरीब यहाँ पर जो है अपना आशियाने बनाएंगे और अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गरीब जा रहे हैं, इन तंबुओं को अपने घर ले जाएंगे, उनके ले जाएंगे घर, इनका आशियाना बन जाएगा। हाँ इनका ठिकाना बन जाएगा, ले जाएंगे गरीब हैं। भैया क्या करोगे इनका, इनका क्या करोगे? मकान बना दो। मकान बनाने के लिए काम आएंगे। तो खुशी हो रही है आज किसान चले गए भाई सब अपने घरों को। हाँ जी। आपके घर पक्के नहीं है? नहीं जी कच्चे है जी। तो इतना भी तंबू बचे किसानों के आप घर ले जाओगे? हाँ जी बच जाएगा। आप देख सकते कि कितनी भयावह और
दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। किसान तो चले गए लेकिन उनकी जो झोपड़ियाँ थी वो किस तरीके से गरीब जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जाए जाए इस खबर को शेयर करते रहिए। अब जैसे तरपालें, तंबू, जितने भी किसान भाइयों के आशियाने थे वो अब ये गरीब आदमी आशियाने यूज़ करेंगे। ऐसे और लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। HR71 को फॉलो करें। हम आपको ज़मीन से जुड़ी, धरातल से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुँचाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें HR71 के लिए, सिंगू वाटर दिल्ली।